विद्यार्थियों आज असी 13.2 अभ्यास शुरू कर दिया 13.2 का फर्स्ट सम एक ठोस एक अर्ध गोले के खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्ध गोले के खड़े एक शंकु के आकार का है। दोनों का अर्धव्यास 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसके अर्धव्यास के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाए के पदों में पता करो कि दिता हुआ अपन एक ठोस एक अर्ध गोले के खड़े अपन एक अर्ध गोला दिता हुआ आपने कोल की है अर्ध गोला है आपने कोल की है इस तरीके शंकु रखा हुआ है। अर्ध गोले का अर्ध व्यास अपन 1 सेंटीमीटर दिता हुआ है। जी शंकु की ऊंचाई है एच वो भी अपन 1 सेंटीमीटर दिखती हुई है। अर्ध गोले का अर्ध व्यास 1 सेंटीमीटर है। शंकु का अर्ध व्यास 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई है जी वह भी 1 सेंटीमीटर है। जिहड़ी चीजें दित्तियां वो पहले आप नोट कर लेनी है जिवें दित्तियां उवें नोट कर लो। अर्ध गोले का अर्ध व्यास 1 सेंटीमीटर। अर्ध गोले का अर्ध व्यास कितना है आर बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु का अर्ध व्यास आर बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु का अर्ध व्यास आर बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई एच बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई अपन की दी है 1 सेंटीमीटर। हुण आपां की करना है इस ठोस का आयतन पता करना है। ठोस का आयतन ठोस दोस्तों दो चीजें जोड़ के बने हैं केड़ियां केड़ियां एक ता शंकु शंकु का आयतन पता करना है दूजा अर्ध गोले का आयतन। एक ता आपने बोल दिया शंकु है शंकु का आयतन आ गया दूजा अर्ध गोला है ता अर्ध गोले का आयतन। शंकु का आयतन की होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन की होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर डी क्यूब। अर्ध गोले का आयतन की होता है 1/3 शंकु का आयतन की होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस दोनों ने जोड़ के बढ़ाया प्लस का निशान आ गया 2/3 अर्ध गोले का पाई आर डी क्यूब। इन्हों दोनों च एक जी कड़ी चीजें पाई दोनों च है आर दोनों च है कॉमन आ गया दोनों से पाई पे आर इतने रह गए 1/3 ते एच प्लस इतने रह गया 2/3 ते एक आर आर दो बार आ गए इतने 3 सी तो एक अंदर रह गया। इन्हें जब अपन की करना है वैल्यू पुट कर लेनी है पाई की वैल्यू नहीं पुट करते पर करते अपन क्योंकि पाई के पदा विच पता करना है तो पाई को अपन पाई लिख लिया गुणा आर स्केर सी सॉरी आर की पावर 2 है तो आर नु 2 बार लिख लिया 1/1 बच गया 1/3 लिख लिया गुणा एच 1 आ गया फिर आ गया प्लस का निशान 2/3 लिख लिया फिर आ गया आर आर कितना 1 पाई नु 1 नाल गुणा कीता पाई नु 1 नाल कीता पाई ये तो आ गया पाई
आ गया एक बटा तीन नो इतना किता एक बटा तीन प्लस दो नो इतना किता दो आ गया दो बटा तीन आ गया दो तीन गुणा तीन बटा तीन इन कट के की बच गया अपने को पाई सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। सब तो पहला दोस्तों अपन की दिता है एक अर्धगोला दिता हुआ है जिसका अर्धव्यास की एक सेंटीमीटर है ते ऊपर शंकु है शंकु का अर्धव्यास भी एक सेंटीमीटर है शंकु की ऊंचाई की है एक सेंटीमीटर है। जड़ी चीजें अपन दीतिया उन पहला वो लिख लेनी है अर्धगोले का अर्धव्यास एक सेंटीमीटर शंकु का अर्धव्यास एक सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई एक सेंटीमीटर। पता की करना आयतन आयतन लिख लिया ठोस का आयतन कड़ी चीजें जोड़ के बनाया शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन दो चीजें जोड़ के बनाया दोनों चीजें जोड़ लेना है दोनों के फार्मूले का प्लस कर देना है एक बटा तीन पाई आर स्केयर एच प्लस दो बटा तीन पाई आर दी क्यूब पाई आर स्केयर इन्हें जो कॉमन आ गया इतने रह गया एक बटा तीन ते एच फिर रह गया प्लस का निशान इतने रह गया दो बटा तीन पाई आर स्केयर बार आ गया यानी पाई आर की पावर दो बार आ गया एक आर इतने अंदर रह गया पाई की वैल्यू अपन नहीं पढ़ते पाई की पता भी पता करनी है अपन आर की पावर भरी वैल्यू भरी आर की ना एक एक गुणा एक लिख लिया ब्रैकेट दे विच एक बटा तीन का एक बटा तीन आ गया एच की ना अपने को एक सी एक लिख लिया प्लस दो बटा तीन दो बटा तीन आ गया गुणा आर की ना एक एक लिख लिया एक नू पाई नाल गुणा किया पाई एक नू फिर किया पाई आ गया एक नू एक नाल किया एक बटा तीन आ गया प्लस दो नू एक नाल किया दो बटा तीन आ गया दो तीन तीन बटा तीन आ गए कट के एक आ गया एक नू पाई नाल किया पाई आ गया अपने को पाई आंसर आ गया। फिर भी जे किसी नू डाउट हो कमेंट करके जरूर दस्यो। चलते हैं नेक्स्ट सम वाल दोस्तों अपने को नेक्स्ट सम है नेक्स्ट सम दे विच की दिता है अपन एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है मनोहर नू पता लिए एल्युमिनियम की शीट की वर्तों करते हुए एक मॉडल बनाओ लेके आ गया है जो अजय बेलन के आकार का होगी जिस दे दोनों सिरियां ते शंकु जुड़े हो इस मॉडल का व्यास 10 सेंटीमीटर अते इस दी लंबाई 12 सेंटीमीटर जेकर शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होगी मनोहर द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन पता करना है। स्टेटमेंट काफी लंबी है पर सवाल इतना ज्यादा लंबा है नहीं ना कोई डिफिकल्ट है। सब तो पहला की है स्टेटमेंट को ध्यान से देखो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी मनोहर को पता लिए एल्युमिनियम की शीट की वर्तों करते हुए एक मॉडल बनाने लिए किया गया है जो अजय बेलन के आकार का होगी जिसके दोनों सिरियां से दो शंकु जुड़े हों मान लो बेलन है ते इस दे दोनों सिरियां ते की है दो शंकु जुड़े हुए आ एक बेलन है बिचारे ते इस दे दोनों सिरियां ते दो शंकु जुड़े हुए इस मॉडल का व्यास 10 सेंटीमीटर है मॉडल का व्यास 10 सेंटीमीटर है अर्धव्यास कितना हो गया तीन बटा दो सेंटीमीटर अते इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है इसकी कुल लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है इसकी टोटल लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। जेकर हर एक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो हर एक शंकु की ऊंचाई आ शंकु कितना आ गया 2 सेंटीमीटर ते आ शंकु कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। चित्र को ध्यान नाल देखो चित्र दे विच अपन सब कुछ दसता बेलन है बेलन दे दो शंकु जुड़े हुए शंकु ते बेलन दा अर्धव्यास अपन नु 3/2 दिता है व्यास 3 दिता है अर्धव्यास अपन 3/2 बना लिया पूरे डायग्राम दी यानी लंबाई दी 12 सेंटीमीटर शंकु दी कितनी है 2 सेंटीमीटर इधर है ते 2 सेंटीमीटर इधर है ता बेलन दी ऊंचाई कितनी रहेगी 8 सेंटीमीटर रहेगी।
बेलन की चार कितनी रहेगी 8 सेंटीमीटर। दो इधर हो गई, दो इधर हो गई, 4 12 304 8 दिता हुए है अपा वो नोट कर लेने हैं। बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर। अर्धव्यास कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई या लंबाई जी है दो ऊंचाई है तो इन बड़ा इंच लिख लेना है। टोटल कितनी है 12, विचारे दो शंकु है तो दो माइनस करा के दो दे दो किन्ने हो गए 12 के बीचों 4 के 8 सेंटीमीटर। शंकु बेलन की जी लंबाई या ऊंचाई है वह किन्नी रहेगी 8 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर, अर्धव्यास 3/2, इसे आर लिख लो, आर बराबर 3/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई अपन दीती हुई है छोटा एच 2 सेंटीमीटर। इतने तैयार बना अपन व्यास दिता है 3 सेंटीमीटर है तो अर्धव्यास शंकु के बेलन का 3/2 बना लिया दोनों का। शंकुआ की ऊंचाई जी है 2-2 सेंटीमीटर दी है हरेक की, तो आप ऊंचाई 2 सेंटीमीटर लिख ली छोटे इंच के नाम। बेलन की ऊंचाई टोटल 12 दी है, तो शंकुआ की गिनी गई 4, बाकी इंच बेलन की गिनी रहेगी 8 रहेगी। इस चीज का खास ध्यान रखना है। ऊंचाई रहेगी, ऊंचाई आ गई शंकु की 2 सेंटीमीटर, हरेक शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। हुण आपां की करना है, हवा का आयतन पता करना है। मॉडल विचों हवा का आयतन मॉडल के विच केड़ी केड़ी चीजें लगी हुई है। एक तो बेलन है, बेलन का आयतन पता करना है। बेलन का आयतन, दूसरी चीज की है शंकु लगे है, शंकु का आयतन पता करना है। कितने शंकु है 2, तो पहला आपा की लेना है 2 शंकु का आयतन। बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, बेलन का आयतन की होता है पाई आर स्केयर। इतने एच आप वड्डा लिखना है क्योंकि एच वड्डा लिखा है स्टेटमेंट के 2 लिख लिया। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्केयर एच, ये फार्मूले हो गए। बस इना ध्यान रखना इतने एच वड्डा लिख लियो ता कंफ्यूज ना हो। इतने कोमन कटिए पाई आर स्केयर कोमन आ गया, इतने रह गया एच, इतने रह गया दोनों एक नाल गुणा किया 2/3 पाई एच के बाहर आ गया, इतने रह गया छोटा एच। पाई की वैल्यू आ गई 22/7, छोटा आर कितना है 3/2, इन्हें 2 बारी लिख लिया
दो पावर है टाइम दो बार लिख लिया, एक्स कितना बड़ा 8 एंड 8 लिख लिया, प्लस 2 बटा 10 गुणा छोटा एक्स कितना है 2 एंड 2 लिख लिया, आ गया 11 गुणा 22, 11 दिए 33, 33 दिए 99 बटा 14, 8 प्लस 2 दूनी 4 बटा 10 एंड बटा 1 लगा लिया, एना दोनों 1 ते 10 दा गुणन कर दिया, आ गया अपने को 99 बटा 14, 1 ते 10 दा गुणन आ गया 10, 10 नाल दोनों पासे गुणा करांगे 8 दिए 24 प्लस प्लस का निशान सी आ तीन नाल तीन कटिया गया 4 दा 4 आ गया 99 बटा 14 गुणा ब्रैकेट गुणा का निशान हो गया 24 दे 4 28 बटा 10, 10 नु कट दियो 33 9 33 9 33 ते कटे गया 14 दूना 28 की बच गया 33 गुणा 2 आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। विद्यार्थी एक बार फिर थोड़ा ध्यान नाल देख लो, सब तो पहला जेडी चीजें देती है उन्होंने ध्यान नाल लिख लेना है, बेलनाकार भाग का व्यास 10 सेंटीमीटर, अर्ध व्यास 10 बटा 2, ऊंचाई टोटल 12 सी, दो दो दोनों पास दो दो सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो शंकु लगे है, उन्होंने माइनस करने तो बाद बेलनाकार भाग की ऊंचाई रहेगी 8 सेंटीमीटर, उसको बड़े इंच नाल लिख लिया, शंकु भाग के व्यास 10 सेंटीमीटर, अर्ध व्यास आ गया 10 बटा 2, ऊंचाई आ गई 2 सेंटीमीटर, मटल विचों हवा का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन आ गया पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन प्लस 2 1 बटा 3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया इथे इथे आ गया एच प्लस 2 बटा 3 एच रह गया, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया इथे कला एच बच गया फिर प्लस का निशान आ गया, दोनों एक नाल गुणा किया 2 बटा 3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया इथे की रह गया एच रह गया कला, पाई की वैल्यू 2 बटा 7 आर नु की लिख गया 3 बटा 2 सी 2 पावर सी 2 बार लिख लिया, प्लस एच कितना सी 8 प्लस 2 बटा 3 दा 2 बटा 3 एच कितना सी 2 एनु कटया गया 11 दूना 22 11 3 33 33 दिए 99 बटा 7 दूनी 14 आ गया 2 दूनी 4 बटा 3 एना दोनों दा लघुत्तम लिया 3 आ गया, जिना लघुत्तम आ जे दोनों पासे गुणा करते हां 8 3 24 आ 3 नाल 3 कटया गया 24 ते 4 28 28 बटा 3 14 दूना 28 इधर 2 आ गए इधर 33 दिए 99 33 नु 2 नाल गुणा किया 6 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। विद्यार्थियों करके देखना, जे फिर भी कोई डाउट होए तो कमेंट करके जरूर दस्यो कि तुहानू कित्थे की दिक्कत आउंदी है, मैं उसनू सॉल्व करन दी फिर भी पूरी कोशिश करांगा, अगे नेक्स्ट वीडियो च नेक्स्ट सम करांगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है।